देखिए, इस समय हर कोई राजनीतिक पार्टी जो है वो किस तरह से लोगों तक पहुंचा जाए, किस तरह से अपने पार्टी का प्रचार प्रसार किया जाए और किन विचारधाराओं के साथ चुनाव में उतरना है, इस चीज के बारे में सोचा जाए। इस समय हर राजनीतिक पार्टी जो है वो अपने अपने तरफ से प्रचार प्रसार अपनी पार्टी का कर रही है। कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस ने भी आज एक महिला के साथ जो है, महिलाओं के साथ बातचीत की, इंटरेक्ट उनके साथ किया और ये बताने की कोशिश की कि क्या कुछ जो है वो आने वाले समय में कांग्रेस करेगी। ये तस्वीरें आप देखिए, आज यहाँ पर महिलाएं जो है वो तमाम महिलाएं थी और महिलाओं के साथ बैठकर बातचीत की है। अभी फिलहाल कन्वेंशन खत्म हुई है तो जिन्होंने कन्वेंशन अरेंज करवाई यहाँ पर, रजनी बालाजी हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। मैडम, किस तरह से देखते हैं आज महिलाओं के साथ यहाँ पर बातचीत की? आपकी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद थे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज हमने महिलाओं का ये कन्वेंशन रखवाई थी और हमारी जो प्रदेशाध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, उन्होंने बोला था कि आप महिलाओं को इकट्ठा करके तो उनके साथ विचार विमर्श करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, तो आप प्रोग्राम रखो। तो हमने वो बहुत ही थोड़े समय में सभी महिलाओं को मैसेज दिया और ये इनका प्रेम है कि वो आ जाती हैं। देखा हमने यहाँ पर इस टाइम जो है 100-200 की करीब महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी जिनके साथ आपने बातचीत की है। किस तरह का रिस्पांस आपको यहाँ से लोगों को मिल रहा है? लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को जो है वो पसंद कर रही है लोग? जी, महिलाएं तो कर रही है क्योंकि महिलाओं को बहुत ही ज्यादा, जितना भी प्रॉब्लम्स है महिलाओं को है, उनका रसोई का बजट गड़बड़ा गया है, इतनी महंगाई है, पैसा इतना आ नहीं रहा है, रोजगार ही नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पेंशनों पर जा तो किसी पेरेंट्स की पेंशन है उस पर गुजारा चल रहा है घर का, तो कितना कर रहेंगे इतनी महंगाई में? आसान होगा इस बार भाजपा के साथ कांटे की टक्कर का संकेत? बिल्कुल बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी। लोग परेशान हैं, डर के मारे नहीं बोलते हैं क्योंकि इनका रवैया जो है वो दादागिरी वाला है। बावजूद इसके भी भाजपा तो कहती है कि हमने आयुष्मान कार्ड दिए हैं, इतने लाख का जो मुनाफा लोगों को दिया है, इतने तौर की मदद लोगों को दी है, किस तरह से? आयुष्मान कार्ड ये जो अब ये जो है कांग्रेस ने 2013 में सर्वे करके ये कार्ड की उनको लोगों को देने थे, जो उनकी स्कीम है, कांग्रेस जितनी स्कीम है सब कांग्रेस की है, तो वो तो भगवान की स्कीम्स को कॉपी किया था, वही उसी को आगे जाके तो इन्होंने उसका स्वास्थ्य कार्ड ये जो बनाए हैं उसकी स्कीम बना दी 2014 के बाद गवर्नमेंट चेंज। भाजपा इस समय कह रही है कि जो प्रधानमंत्री का दौरा भी कुछ समय पहले जम्मू में रहा है और कुछ समय बाद कश्मीर में रहेगा, इस दौरे से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर ये दौरे भारी पड़ रहे हैं, लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पैसे दे के लोग गए हैं, मुझे कई लोगों ने बोला हमें 500-500 रुपए दिए गए हैं और हम वहां पर गए हैं, तो हमने हमारे साथ लोग, मैंने आज भी कई लेडीज को बोला हम कि पैसे की बात बिल्कुल नहीं करनी, हम ना पैसे की बात करेंगे, जो भी आते हैं हमें प्रेम करते हैं, हमारी नीतियों को समझते हैं, हम सदा सुख दुख में उनके साथ रहे हैं, चाहे काम कम किया है चाहे ज्यादा किया है, लेकिन हमेशा उनके साथ रहे हैं और ये प्रेम के साथ हमारे साथ आए हैं। तो ये जो न्याय यात्रा है उसके साथ आप इनको कंपैरिजन नहीं कर सकते, पर प्रधानमंत्री के आयोजन में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, कितना करोड़ों रुपए तो ये डेकोरेशन में खर्च कर देते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की यात्रा सिंपल होती है, कोई वो नहीं कि शो ऑफ करना है जब वो करना है, वो सीधे पैदल जा रहे हैं। कांग्रेस चुनावों तक इसी तरह लोगों के साथ बातचीत करती रहेगी? अभी ये महिलाओं की मीटिंग हुई है, क्या लगता है युवाओं तक भी पहुंचा जाएगा? बिल्कुल, हम युवाओं से भी मिलेंगे और घर की लेडीज के साथ तो मिल रहे हैं, लेडीज जो है वही घर चलाती हैं, घर की होम मिनिस्टर लेडीज ही हैं, और लेडीज आई हैं तो अपने घर के जो जेंट्स लोग हैं उनकी परमिशन से ही आई हैं, ऐसे थोड़े आई हैं। तो सब हाँ, भी कहा जा रहा है भाजपा तो कह रही है कि हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे, जब चुनाव आएंगे हम बहुत कुछ स्कीम्स महिलाओं के लिए लेके आएंगे, तो लगता है कि कांग्रेस जो है वो जीत पाएगी इन तमाम बातों के बीच? स्कीम्स वो तो वायदे तो इन्होंने बहुत से किए हैं, पहले जुमले देते थे, आप गारंटी दे रहे हैं, तो वो लोगों को पता है कि ये सब झूठ है, आम जनता के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया। लगता है कांग्रेस इस बार जम्मू कश्मीर में होगी और कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी पे भारी पड़ेगी? बिल्कुल, हम गारंटी नहीं देते, हम जो बोलते हैं साफ बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं कि आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, हम लोगों की जो समस्याएं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, कई बार नहीं भी होती है कोशिश पूरी, लेकिन कोशिश करते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमने अपनी जो काम थे उनको ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं की उनकी ज्यादा, अब लग रहा है कि जरूरत पड़ेगी एडवर्टाइजमेंट, अब हम इनसे ही सीखा है, हमने इनसे सीख रहे हैं, हम भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे लेकिन लोगों के बीच में,
क्योंकि वो ज्यादा पोस्टर लगा दिए जब वो झंडे लगा दिए उससे आपको नहीं लगता है कि जो खर्चा पोस्टर्स पे करना है वो आम जनता के सुधार में क्या है? बिल्कुल, जो हम इतने अरबों करोड़ों रुपए जो प्रधानमंत्री जी खर्च कर रहे हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट में वो लोगों की उसके ऊपर करें लोगों की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में इतने पैसे नहीं खर्च हुए? बिल्कुल नहीं हुए, वो आम लोग सब लोग अपना अपना जितना होता है छोटे से बड़ा अपना योगदान दे रहे हैं और वो यात्रा चल रही है। हमने एक पेंशन शुरू की थी हर बुढ़ापे में हर व्यक्ति के लिए, इन्होंने बीपीएल के लिए कर दी, बुढ़ापे में लोगों को अगर थोड़ा सा हम सहायता कर भी देते हैं ज्यादा नहीं थोड़ी सी भी तो वो भी बहुत होती है, लेकिन इन्होंने वो भी छोड़ दी, विडो पेंशन वो नहीं लग रही है। तो लगता है कि अगर कांग्रेस जो है वो इन लोगों के बीच एक बार दोबारा खड़ी हो जाती है तो ये सभी चीजें दोबारा बहाल की जाएंगी? बिल्कुल, ये जो पेंशनें जो बंद हुई हैं सबको, सभी विडो जितनी भी हैं सबको लगेगी। ये अलग बात है कि जिनकी पेंशन जिनको गवर्नमेंट से मिलती है उनको नहीं लगेगी, लेकिन ये पेंशन भी अब आगे आगे तो इनकी पेंशन भी बंद ही हो जानी है। पेंशन जो है बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा है बुढ़ापे में। क्या कुछ विचारधाराओं के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरने लगी है? समय प्रचार प्रसार अपनी पार्टी के किए गए का अपने समय में किए गए कार्यकाल के कामों का गिनवा रहे हैं और फिलहाल लगातार लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों का साथ चुनावों में मिलेगा, चुनावी मैदान में उतरने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। अब आप लोगों का क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप लोग इस पर क्या कहते हैं? जी जी जरूर, लास्ट में यही कहूंगी, बीजेपी सरकार जो है वो कॉर्पोरेट्स की सरकार है, कांग्रेस की सरकार आम जनता की सरकार है और हम आम जनता की जो है मुश्किलात को दूर करने के लिए कांग्रेस जो है सदैव आगे रही है और आगे भी रहेगी। कौन है आपका मनपसंद उम्मीदवार या कौन है आपकी मनपसंद पार्टी, जरूर रखिएगा अपनी राय को कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए अर्ली टाइम्स, मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।